न्यूज है, दो बड़े एग्जाम्स के रिजल्ट जारी हो गए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले IBPS PO और 11 का जो फाइनल है रिजल्ट वो आउट हो गया है। इसी तरह से आप देख सकते हैं क्लर्क का भी, यानी कि IBPS ने दो बड़े जो अपने रिजल्ट थे उनकी जो परीक्षाएं थी उनका रिजल्ट घोषित कर दिया है। सबसे पहले PO का हम देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसका जो फाइनल इंटरव्यू जो हुए थे वो आप देख सकते हैं कि 14 फरवरी को हुए थे, और जो कि आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट जारी हो गया है। तो इसके रिजल्ट जारी करने के लिए जो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है IBPS ऑनलाइन पे आपको जाना है, जहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर डाल के, उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा डाल के यहां पर डालना है। और ये जो रिजल्ट अवेलेबल होगा आप देख सकते हैं 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के बीच में आप अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। जिन जिन कैंडिडेट्स के इसमें हुए हैं उनको हमारी ओर से शुभकामनाएं। अब बात करते हैं कि किस तरह से आपको कलर का देखना है, तो कलर के लिए भी आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर देना है। दोनों का लिंक मैंने अपने टेलीग्राम के ग्रुप में दे के रखा है। और ये जो इंटरव्यू हुए थे जनवरी में अवेलेबल हुए थे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्टली लगभग 8,000 के आसपास यहाँ पर जो है कलर के लिए ये जो इंटरव्यू हुए थे यहाँ पर हुए थे। तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसी पे आपको जाना है, जहाँ पे आपने जो है इससे पहले PO का देखा है। तो बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर डालना है, देन पासवर्ड और कैप्चा डालना है। और ये भी जो अवेलेबल होगा रिजल्ट 1 अप्रैल से लेकर जो है 4 अप्रैल के बीच में होगा। तो जिन जिन कैंडिडेट्स का इसमें सिलेक्शन हुआ है, काफ़ी कैंडिडेट उत्तराखंड से भी हैं, तो सभी को हमारी ओर से शुभकामनाएँ।